शिबू एक फाउंडिंग टाइटन है। जितने भी टाइटन को अभी तक हमने देखा है मॉन्स्टर वर्स के अंदर, वो सारे के सारे टाइटन शिबू से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण से सारे टाइटन का पिताजी शिबू बन जाता है। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे शिबू ने फाइट किया था किंग गिडोरा से, और किंग गिडोरा को अपने पावर के मदद से उसने बर्फ के अंदर फ्रीज कर दिया था हजारों साल पहले। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि यदि शिबू पास्ट में अच्छा था, किंग गिडोरा को उसने हराया था, तो वो कैसे प्रेजेंट में आके अब दुश्मन बन जाएगा इंसान का और वो अर्थ के लिए खतरा बन जाएगा, जिसके कारण से उसी का बच्चा यानी कि गॉडजिला उससे फाइट करेगा। तो इसके पीछे एक राज है, और राज जानने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा गॉडजिला एक्स कॉन्ग का टीजर। जो सबसे पहला टीजर आया था उसको यदि ओपन करते हो और आप एंड में जाते हो और पॉज करते हो, तो यहाँ पे आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा कि मूवी का नाम क्या होने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और डिटेल यहाँ पे है जो कि सारी फैंस ने मिस कर दिया होगा। यदि यहाँ पे आप बैकग्राउंड को देखते हो, तो पहले तो ये बैकग्राउंड कोई भी सेंस नहीं बनाता था, लेकिन अभी यदि बैकग्राउंड को देखोगे तो ब्लू और पिंक कलर का ग्रेडियंट को मिला के बैकग्राउंड बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस कलर से क्या ही मतलब बनता है, तो इसके लिए हमें 2021 का गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का पोस्टर देखना पड़ेगा। यदि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का पोस्टर आप देखते हो, तो वहाँ पे आपको तीन कलर का ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा, पहला ब्लू, दूसरा येलो, तीसरा रेड। और यदि इन तीनों कलर को हम तीन कैरेक्टर में बिठाने का कोशिश करें, तो ब्लू कलर सीधा रेफरेंस है गॉडजिला का, येलो कलर सीधा रेफरेंस है कॉन्ग का, और रेड कलर सीधा रेफरेंस है मेगा गॉडजिला का। तो आपको समझ में आ रहा है कलर यहाँ पे कैसे कैरेक्टर के बारे में बताता है। और इस कलर के यदि ग्रेडियंट को आप देखते भी हो, तो साफ साफ यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कैसे गॉडजिला जो है वो सीधा गुड के साइड है, कॉन्ग जो है वो बीच में पिस रहा है, और जो मेगा गॉडजिला है वो मेन विलन है, जो कि हमें ये बता देता है कि मेन विलन कौन है इस मूवी का। और उसी तरीके से यदि हम देखने का कोशिश करें गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी का बैकग्राउंड यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो कहीं से भी गॉडजिला को नहीं बता रहा है, क्योंकि इस मूवी के अंदर गॉडजिला का कलर पिंक होने वाला है, ये हम सबको पता चल गया है। तो जिसके कारण से हमें ये तो पता चल गया है कि जो नीचे वाला कलर है वो पिंक है, जो कि गॉडजिला को सीधा रेफरेंस दे रहा है, और जो ऊपर वाला ब्लू कलर है वो सीधा रेफरेंस है यहाँ पे शिबू का, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस मूवी के अंदर गॉडजिला वर्सेस शिबू होने वाला है, जो कि हमें बता देता है कि इस मूवी का मेन विलन कौन होने वाला है। लेकिन यदि यहाँ पे मैं बोलूं कि शिबू मेन विलन होने ही नहीं वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? अब यहाँ पे हो सकता है आप मेरे ऊपर क्रोधित हो जाओ और बोलो कि पिछले वीडियो के अंदर तो तुमने बोला था शिबू ही होने वाला है विलन, तो इस वीडियो के अंदर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो क्यों बोल रहा हो, इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी का ट्रेलर। ट्रेलर ओपन करने के बाद यदि इस टाइम स्टैम्प के ऊपर आप पॉज करते हो ट्रेलर का, जो कि है 1:27, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्कार किंग। और स्कार किंग का यहाँ पे यदि आंख पे ध्यान दोगे और जूम करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा आंख में ब्लू कलर आपको देखने को साफ साफ मिल रहा होगा, और ये ब्लू इज व्हाइट जो कलर है वो साफ साफ रेफरेंस है शिबू का। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पिछले वीडियो के अंदर भी तुमने बताया था। तो बताया तो था, लेकिन उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था जो कि एक भाई ने किया था, और उसने बोला था कि हो सकता है कि जो शिबू है उसको कंट्रोल कर रहा होगा स्कार किंग। पूरी डिटेल में इन्होंने बताया है, और जब इस कमेंट को मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, क्या टाइटन को कंट्रोल करना इतना ज्यादा आसान है या पॉसिबल भी है? और इसके लिए मैंने देखना स्टार्ट किया गॉडजिला का सारा ही मूवी, मतलब तीन मूवी तो मैंने देख ही डाले। गॉडजिला मूवी देखा, गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर देखा, और उसके बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देखा। और तीनों मूवी देखने के बाद मुझे जवाब मिला कि हाँ, टाइटन को कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ पे स्कार किंग शिबू को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? तो सबसे पहले यदि आपने गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी देखा होगा, तो वहां पे एक डिवाइस का जिक्र हुआ था जिसका नाम था ऑर्का। और यदि ऑर्का डिवाइस के बारे में बात करें, तो वो डिवाइस कुछ इस तरीके से काम करता था। उस डिवाइस के अंदर बहुत सारे टाइटन का साउंड को और उसके फ्रीक्वेंसी को कॉपी करके रखा गया था, जिसके कारण से किसी भी टाइटन को बुलाया जा सकता था, भड़काया जा सकता था, और साथ ही साथ कंट्रोल किया जा सकता था। और मॉथरा को हमने साफ साफ कंट्रोल करते हुए देखा था एना के हाथों। एना जब मरने ही वाली होती है, तो वहां पे वो यूज करती है अल्फा फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी के मदद से मॉथरा को वो बहुत ही आराम से कंट्रोल कर लेती है। कंट्रोल ही नहीं करती है, वो पूरी तरह से शांत भी कर देती है। और इसी डिवाइस के मदद से वो किंग गिडोरा को भी जगाती है, और इसी डिवाइस के मदद से किंग गिडोरा को भी कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर लेती है, जिसके कारण से एक और चीज यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जो हम अल्फा टाइटन समझ रहे हैं कि जो गॉडजिला है वो अल्फा टाइटन है। तो ऐसा हमें यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाता है इस डिवाइस को दिखा के कि यहाँ पे यदि इस डिवाइस के मदद से किंग गिडोरा को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि सीधा
ओपोनेंट था गॉडजिला का। तो इससे ये पता चल जाता है कि इससे भी पावरफुल कोई अल्फा था जिसका साउंड या फ्रिक्वेंसी इसके अंदर था, और उसके मदद से किंग गिडोरा को भी डरा दिया गया था, ये कह सकते हो कंट्रोल कर लिया गया था कुछ देर के लिए, जिससे ये साबित हो जाता है कि जो सबसे पावरफुल टाइटन था पहले वही था अल्फा टाइटन, जो कि कोई और नहीं सीमू था। लेकिन जब सीमू गायब हो गया तो उसके बाद एक ही सबसे पावरफुल टाइटन बचा पूरे धरती के ऊपर, जो कि था गॉडजिला, और इसीलिए गॉडजिला बना न्यू अल्फा टाइटन और वो सारे टाइटन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमें गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी के अंदर साफ साफ दिखाया गया। तो यहाँ पे ये तो साबित हो गया कि सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अल्फा फ्रिक्वेंसी हो तब। और ताज्जुब की बात तो ये है कि हमें एक ऐसा चीज ट्रेलर के अंदर साफ साफ दिखा दिया गया है जिसके कारण से हो सकता है स्कार किंग सीमू को कंट्रोल कर रहा होगा, जो कि आप ट्रेलर को पॉज करते हो 2 मिनट 8 सेकंड के ऊपर, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्कार किंग के कंधे के ऊपर एक हड्डी का माला टाइप का। और इस माले को यदि आप ध्यान से देखते हो, और मुझे रेडिट के ऊपर एक फोटो भी मिला, यदि इस फोटो को भी आप देखते हो तो इससे हमें ये पता चल जाता है ये किसी न किसी टाइटन का रीढ़ का हड्डी है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। तो हो सकता है कि इसी हड्डी के मदद से स्कार किंग समहाउ कंट्रोल कर लेगा सीमू को, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाया गया है लीक फुटेज के अंदर कि सीमू को राइड कर रहा है स्कार किंग। तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिना कंट्रोल किए हुए, क्योंकि सीमू एक फाउंडिंग टाइटन है, तो उसको भाई ऐसे राइड करना आसान नहीं है जब तक आप उसको कंट्रोल ना कर लो। तो हो सकता है स्कार किंग यहाँ पे सीमू को कंट्रोल करके और उससे तबाही मचा रहा होगा अर्थ के ऊपर, और इस चीज को ट्रेलर से कनेक्ट करने का कोशिश करते हो। तो यदि आप ट्रेलर को पॉज करते हो 2 मिनट 5 सेकंड के ऊपर, तो वहां पे आपको कुछ इस टाइप से बहुत सारे कॉन्ग देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि सारे कॉन्ग को आप जूम करके देखते हो तो सारे कॉन्ग के बॉडी के ऊपर या चेस्ट के ऊपर आपको रेड कलर का मार्क देखने को मिल जाएगा, जो कि मार्क साफ साफ हमने देखा था इस कार्किंग के फेस के ऊपर, वही रेड कलर का, लेकिन अपने कॉन्ग के ऊपर नहीं है, जो कि हमें साफ साफ बताता है जिसके ऊपर मार्क है उसको ऑलरेडी साइज से डिफीट कर दिया इस कार्किंग ने, या हो सकता है इसी मार्क के कारण से उसने सब पे कंट्रोल अपना बना लिया है, जो कि हो सकता है। और यहाँ पे कॉन्ग से इस कार्किंग का फाइट होगा, जिसके कारण से हो सकता है यहाँ पे कॉन्ग का हार्ट टूटेगा, उसके बाद कॉन्ग को मिलेगा एक मेटेलिक आर्म, जो कि हमने लास्ट में देखा ही था। लेकिन वहीं पे बात करें स्कार किंग के बारे में कि वो कैसे सीमू को कंट्रोल कर सकता है, तो यहाँ पे एक और डिटेल है, जो स्कार किंग है वो एक ऐसा मंकी का प्रजाति है जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। यदि आप सर्च करोगे गूगल पे जाके कि सबसे इंटेलिजेंट मंकी स्पीसीज कौन सा है, तो आपको साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि ओरैंगोटैन का जो प्रजाति है मंकी का, वो सबसे ज्यादा तेज होते हैं, या कह सकते हो सबसे ज्यादा दिमाग वाला होता है। और स्कार किंग का बात करें तो ये भी उसी प्रजाति से बिलोंग करता है, जो कि हमें साफ साफ बताता है कि ये कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये कैसे कंट्रोल करेगा सीमू को। इतने तक वीडियो देखने के बाद भी यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि टाइटन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इस बच्ची को आप कैसे बोल सकते हो? ये बच्ची कॉन्ग को कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल ही नहीं कर सकती है, उसे शांत कर सकती है, उसे बात कर सकती है और उससे कनेक्ट भी कर सकती है मेंटली, जो कि हमें बता देता है कि कुछ लोग होते हैं या कुछ ऐसा पावर है जिसके मदद से कंट्रोल किया जा सकता है टाइटन को। तो हो सकता है स्कार किंग के पास कुछ ऐसा ही पावर होगा या कुछ ऐसा ही टेक्निक उसे मिल गया होगा, जिसके कारण से उसने सीधा सीमू को ही कंट्रोल कर लिया होगा और उसके बाद सबसे पावरफुल टाइटन बन गया होगा। आपको क्या लगता है? मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करके आप सबसे पूछता हूँ, मुझे कमेंट के अंदर बताओ। और यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन सा गॉडजिला सबसे ज्यादा पावरफुल है, यदि जानना है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना।